लोक आस्था के महापर्व छठ का समय चल रहा है और इस समय वातावरण में एक अलग सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिल रही है। एक तरफ छठी मैया के गीतों से वातावरण भक्तिमय हो गया है तो वहीं दूसरी ओर छठ पूजा को लेकर कई लोग गरीब और निर्धन लोगों के बीच मदद करते दिख रहे हैं। छठ पूजा में लोगों की अटूट आस्था होती है, लोग मनोकामना पूर्ति की कामना करते हैं। छठ की महत्ता के कारण जो लोग छठ नहीं भी कर रहे होते हैं वह अपने तरफ से छठ व्रतियों के प्रसाद में अपना सहयोग देते हैं और इन्हीं भावों के साथ छठ मैया की सेवा करते हैं। इस साल छठ व्रत की शुरुआत शुक्रवार 28 अक्टूबर 2022 से नहाय खाय के साथ शुरू हो जाएगी। छठ पूजा में नहाय खाय खरना अस्ताचलगामी अर्ध और उषा अर्ध का विशेष महत्व होता है। आस्था के महापर्व छठ को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था पावन और देवतुल्य गंगा नदी में स्नान करने की पौराणिक परंपरा है। इसके लिए तैयारी भी प्रारंभ हो गई है। शहर के सामाजिक संस्था से लेकर समाज से भी इसका बीरा उठाते हैं और इस बार भी छठ व्रतियों को निःशुल्क गंगा स्नान कराने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी कड़ी में पूर्णिया के वार्ड संख्या 22 के समाज सेवी नवल जयसवाल ने छठ व्रतियों को गंगा स्नान को लेकर मनिहारी जाने के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था की है। छठ व्रतियों को गंगा स्नान के लिए आज बुधवार की सुबह जिला स्कूल के मैदान तथा डीलक्स होटल के समीप से बस और ऑटो के जरिए सैकड़ों छठ व्रतियों को मनिहारी ले जाया गया। इस दौरान छठ व्रतियों के बीच साड़ी और पूजन सामग्री का भी वितरण किया गया। साथ ही गंगा स्नान के बाद छठ व्रतियों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था नवल जायसवाल के द्वारा की गई है। समाजसेवी नवल जायसवाल ने बताया कि वे पिछले 13 वर्षों से लगातार वार्ड संख्या 22 की छठ व्रतियों की निःशुल्क सेवा के तहत गंगा स्नान कराने के लिए मनिहारी लेकर जाते हैं। हर साल की भांति इस बार भी करीब 400 छठ व्रतियों को गंगा स्नान के लिए रवाना किया गया है। वहीं निःशुल्क गंगा स्नान को जा रही छठ व्रतियों के चेहरे पर काफी खुशी देखी गई। काफी लोग थे, महिलाएं थी, कहाँ जा रही थी ये लोग? ये सब मनिहारी गंगा स्नान करने जा रही है छठोत्सव के, कार्तिक पूर्णिमा में दीपावली के एक दिन बाद सब जा रही है स्नान करने, मनिहारी घाट जा रही है। किनके किनके द्वारा किया जाता है? और ये नवल कुमार जायसवाल वार्ड नंबर 22 के भावी प्रत्याशी नवल जायसवाल के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, प्रत्याशी तो ये इस बार है, इससे पहले कई सालों से हम लोग 13 साल से विगत 13 साल से लगातार नवल जायसवाल लोगों की सेवा में कार्यरत है और गंगा स्नान कराते जा रहा है 13 साल से। अच्छा, ये तो आप लोगों के सामने का बच्चा है फिर भी इतना हिम्मत करता है, कई गाड़ियां हमने देखा भेजा, क्या कहेंगे इस बार? है जोश है, नया खून है, नया उम्र है और जो है ऐसे ही लड़के को प्रोत्साहन मिलता है समाज की ओर से। अच्छा, काफ़ी उम्र हो गई आपकी, क्या ऐसा कोई देखे कोई करता है क्या? नहीं, हम तो विगत जो है नहीं देख रहे हैं, 20-25 साल से कोई गंगा स्नान करवाता है नहीं देख रहे हैं। अंदाजन कितने लोग हैं? अंदाज हमारे अंदाज से करीब 300-400 आदमी गया होगा, 300-400 आदमी गया होगा। क्या नाम है? नवीन कुमार सिंह, वार्ड नंबर 22। कई साल से जा रहे हैं आप लोग? 8-9 साल। ये नवल जी की तरफ से जाते हैं? नवल जी की तरफ से 5 साल से जा रहे हैं। नवल जी सबका जो है यही बोल रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन में तो आज ना खड़ा हुआ, ये तो काफी दिन से लेके जा रहे हैं। पहले से आशीर्वाद है हम लोग का, पहले से उतरता है सबको सेवा। कई साल से नवल जी की तरफ से कई साल से जा रहे हैं? उसके बाद तो हमको नहीं याद है। हाँ, पढ़े लिखे नवल ये 5 साल लेकिन जा रहे हैं, पहले भी सबको देखता, सबको मदद करता है। आप लोगों के सामने बच्चा है वो, फिर भी बच्चा है, फिर भी सबके साथ रहता है खड़ा। ठीक है, गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, किसके तरफ से ले जाया जाता है और कई साल से आप जा रहे हैं? बिल्कुल सुविधा के साथ जाते हैं इसी तरह एकदम। अभी आप देख रहे हैं नवल ले जाता है, देखिए आप किसी से बड़ी खुशी के साथ गले मिल रहे थे। उसी को मार के अच्छा अच्छा लगता है, सब एक साथ जाते हैं। क्या नाम हुआ? तो हम लोग को जाने दीजिए तो।
खुश ना रहे। बिल्कुल, मैं सब चीज खुश के लिए कर रहा, खुशी के लिए करता। आदमी कहाँ जा रहा है? जा रहे हैं, हर साल जाते हैं, सब एक साथ हो जाते हैं। किसी की खुशी जाते हैं, किसके तरफ से ले जाया जाता है? नवल जा रहे हैं। इस बार काफी ज्यादा भीड़ है, देख रहे हैं। जाएगा ना खुशी से, जय जयकार होगा, जाएगा नहीं। अच्छा, क्या सब सामान भी कुछ दिया गया है पूजा उजा कर? आपने सामान दिया ना, अगरबत्ती दिया, झोला दिया, झोला में सब सामान है। खोल के तो देखिए झोला में क्या क्या है। सारी दिया है, खोल के मनियारी जा रहे हैं। ये हर साल जाते हैं आप? हाँ, हर साल बहुत बच्चा सबका लिए साड़ी देता है, सब चीज देता है। ये कौन है, बच्चा कौन है? हाँ, लगोल। लेकिन ये तो बड़ों का काम कर रहा है, हर साल इतने लोगों को भेजना। आप लोग आशीर्वाद बना हुआ है, बहुत अच्छा है बेचारा। हम लोग धन्यवाद है, अभी जीते, हम लोग मिली जिताएंगे इसका। बहुत सेवा कर रहा है। अच्छा, इलेक्शन में तो आज ना खड़ा हुआ, ये तो सेवा पहले से करता आ रहा है। इसीलिए लोग इसीलिए सब चीज हम लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं। नेवल तरफ से छठ माँ के कहते हैं कि हमारा मोहल्ला बने रहे, खुशी रहे। अच्छा, कई साल से आप जा रहे हैं नेवल जी की तरफ से? हर साल ले जाते हैं। हाँ, हर साल ले जाते हैं। बिल्कुल सुविधा के साथ सारा चीज साथ में लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। फिर वापस लेके भी आते हैं। अच्छा, ये इस दिन का इंतजार करते होंगे आप लोग? हम तो कहते हैं छठ माँ मोहल्ला के बना के रखिए, सब लोग साथ जाते हैं, सब परिवार मिल के जा रहे हैं, किसी का बात है। क्या नाम है आपका? लीला देवी। अच्छा, इस तरह आप अपनी उम्र में यहाँ जब से हैं, हाँ, इस तरह के देखें कोई लेके जाता है? कभी नहीं। इतना लोगों कभी नहीं, नहीं, कोई नहीं लेके गया, इतना कोई नहीं करता। इस बार क्या, हर एक साल कोई उम्मीद लेकर के नहीं थे, अभी जितना कर रहे हैं उतना कभी नहीं। इस बार कुछ ज्यादा भीड़ देख रहे हैं। क्या नाम हुआ नवल जी? काफी तारीफ हो रही है आपकी। तारीफ तो हमारी नहीं, समाज के लोगों की बात है, समाज के गर्व की बात है। समाज का लोग सबसे हमेशा प्यार और अपना आशीर्वाद देते रहते हैं, और हम भी चाहते हैं कि अपने वार्ड में, अपने समाज में, अपने अगल बगल, वार्ड ही नहीं अगल बगल के लोग भी जाते हैं गंगा स्नान में। और विगत 13 वर्षों से लगातार मेरी माता पर गंगा स्नान ले जाना है, उसके बाद से फिर हम संभाले और आज लेकर जा रहे हैं। अच्छा लगता है। कहाँ से ये, मतलब इस तरह का सवाल है कि भाव, एक भाव है अपना कि हाँ समाज कुछ अच्छा। नवल जायसवाल अकेला करता है, किसी का सपोर्ट भी रहता है? नवल जायसवाल अकेला करता नहीं, अकेला कैसे रहेगा, अकेला घर वाले का सपोर्ट है और यहाँ की जनता का, अभिभावकों का सपोर्ट है। इस बार देखिए काफी भीड़ थी, और सालों से लोगों का प्यार बढ़ता गया और बढ़ता जाएगा, अगले वाले से ज्यादा भीड़ होगा। क्या कहेंगे लोगों से? लोगों से बस यही अपील है कि बस हर अपने हर समाज के इस तरह से कार्य करें, और कम से कम समाज के अच्छे दिशा ले जाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज को एक अलग मैसेज देने के लिए हमेशा इस तरह करते रहे, और अच्छा लगेगा, मन में भी आनंद आएगा और दिल में भी आनंद आएगा, और आगे हमेशा आप बढ़ते रहिएगा। नाम नाम हुआ नवल कुमार जायसवाल, वार्ड नंबर 22 समाज सेवी। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें Say24Live को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।